Get submit yourself to every authority. Yeah, read that. Yes. और वहाँ ऐसा लिखे submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the kings or to me. प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो, राजा के इसलिए वह सब प्रकार पर अधीन है। उसके बाद पहला पत्रस 5:5 says be submissive to those who are older, जो बुजुर्ग हैं उनके अधीन आ जाओ। पहला पत्रस 5:5 में लिखा है कि जो लोग बुजुर्ग हैं उनके अधीन आ जाओ। submit yourself to those who are older than you, जो लोग आपसे बुजुर्ग हैं उनके अधीन आप हो जाओ। Children, submit yourselves to those who are older than you. जो लोग आपके जो आपसे बुजुर्ग हैं उनके आप अधीन हो जाओ। चलिए मिलकर पढ़ें इस आयत को अपन, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। Let's read this verse together. 1, 2, 3. Let's go. हे नवयुवकों, मैं तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इन इंग्लिश लेट्स रीड इट। लाइकवाइज यू यंग सबमिट योरसेल्व्स अनटू द एल्डर, या ऑल ऑफ यू बी सब्जेक्ट वन टू अनदर एंड बी क्लोथ्ड विद ह्यूमिलिटी, फॉर गॉड रेसिस्टेड द प्राउड बट गिवेथ ग्रेस टू द हंबल। अधिकारियों के अधीन आ जाओ। Be submitted to your leaders. To the kings, be submissive. राजाओं के अधीन हो जाओ। To the elders, submit yourselves. बुजुर्गों के सामने अधीन हो जाओ। इब्रानी 13:17, Hebrews 13:17, submit yourselves to them that have been appointed by God over you. और इब्रानी 13:17 में लिखा है कि परमेश्वर के द्वारा जो आपके ऊपर नियुक्त किए गए हैं उनके अधीन हो जाओ। अधीन, जोर से बोलिए अधीन। सुनते अपन को लगता है मेरे अधीन कौन कौन है, अभी ढूंढते हैं। आपके अधीन कौन है उसका सवाल यह नहीं है, सवाल यह है आप किसके अधीन है। Do not think about people who should be under you, but you need to ask question to yourself under whom you are. Bible is very clear. We need to submit to one another. We need to submit to one another. और बाइबल बहुत साफ रूप में बताती है कि हमें एक दूसरे के अधीन होना है। बाइबल प्रेम करने वाली, प्रेम सिखाने वाली, अच्छी बातें, चंगाई, उद्धार, मुक्ति, अनंत जीवन देने वाली पुस्तक है, लेकिन कठोर स्वभावों को पिघाल कर तोड़ कर सुधारने का भी काम बाइबल करती है। Bible does speak about salvation. Bible does speak about joy, happiness, but it also speaks about breaking the hard hearts and melting them for the grace, for receiving the grace of God. It does not spare you the hard bit. It does not only give you the good bit. Bible encourages you, Bible commands you this morning to submit to one another. और बाइबल सिर्फ आपको अच्छी बातें ही नहीं बताती है, लेकिन आपको कठिन बात है उसके बारे में भी बताती है और आपको ये प्रोत्साहन देती है कि आप एक दूसरे के अधीन हो जाए। Now there's one more thing we want to talk. It's found in Colossians chapter 3 verse 18. कोलोसी 3:18 में और एक बात प्रभु का वचन बताता है। This year we have been learning and studying about how to be grounded in the word of God and how to bear fruit throughout the year. और इस साल हम सीख रहे हैं कि किस तरह प्रभु के वचन में अपने आप को लगा देना और किस तरह जड़ पाना है, जड़ प्राप्त करना है और किस तरह फल उपजाने हैं। We had anointed word come up to us throughout the year. और पूरे साल भर प्रभु का वचन अभिषिक्त होकर हमारे सामने आ रहा है। But we want to close the year by taking a look at our own families and how do we deal with our husbands, with our wives, with our children, with our spouses. और हम इस साल का अंत इस शिक्षा के साथ करना चाहते हैं कि हम अपने परिवार के साथ, अपने पति अपने पत्नियों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। मैं जैसे हूँ वैसे ही रहता हूँ बोलना काफी नहीं है। आप इस चर्च में आते हैं, आशीष पाते हैं, आपका परिवार भी एक गवाही देगा कि प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में कार्य किया है। I was like this and I'm going to continue to be the same. That should not be our testimony, but God has worked in my life and I'm going to change. अब एक और तरह का अधीन आने के विषय में कोलोसी 3:18 में लिखा है। And in Colossians chapter 3 and 18 there is one more aspect of submission. और ये आयत पढ़ते ही कुछ लोग झुक जाते हैं और कुछ लोग सीना तान लेते हैं। And there are people who would be quite proud by reading this verse, or some who will feel humiliated. महिलाओं को यह आयत अपसंद नहीं है। And wives do not like this verse. और आदमियों को थोड़ा यही आयत बाइबल में पसंद है, बाकी कुछ पढ़ते ही नहीं। And men like only this particular verse. लेकिन जो वचन में लिखा है वो तो सिखाना पड़ेगा साहब। Whatever is written in the word of God, we लेकिन घबराइए मत, घबराइए मत। परमेश्वर का वचन आज हम सीखने जा रहे हैं, एक नए तरीके से हम प्रभु का वचन सीखने जा रहे हैं। आमीन बोल सकते हैं जोर से आप लोग। सब लोग बोलिए आज का वचन मेरे लिए ही है। Today's word is for me. आदमी लोग नहीं बोल रहे, कुछ लोग बोल रहे हैं देखा आज देखना।
डंडा इधर गिरेगा, आशीष इधर मिलने वाली है। जोर से बोलिए, आज का वचन मेरे लिए ही है। This word is for me. वचन सुनूंगा, I'll listen to the word. आशीष पाऊंगा, I'll be blessed. बदल जाऊंगा, I'll be changed. और आशीष में बढ़ता जाऊंगा, I'll be growing in the word, in the blessings of God. अधीन रहना, विशेष करके परिवार के माहौल के अंदर, एक बहुत ही कठिन 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 कार्य है। To be submissive, especially in the families, is quite a difficult task. When the world is crying liberation, when the world is crying equality, when the world is crying men and women on the same level, when men and women are crying for everything else to be just and right, the Bible has something very old in a sense, but something very true, saying, women. Submit yourselves to your husbands. और जब पूरी दुनिया न्याय की, आजादी की, समानता की बातें कर रही है, तो ऐसा लगता है कि बाइबल बहुत कुछ प्राचीन या पुराना शिक्षण दे रहा है, जहां पर वो ऐसा बोलता है कि पत्नी अपने पतियों के अधीन रहो। फैशन बदल सकता है, सरकारें बदल सकती है, स्टाइल बदल सकता है, लेकिन जो परमेश्वर का अमर वचन है, अडिग वचन है, यदि आप उसको थाम लेंगे तो संस्कृतियां भी बदल जाएगी, आप टिके रहेंगे, क्योंकि आपने वचन को थामे रखा है अपने जीवन में। फैशन, लाइफस्टाइल, गवर्नमेंट्स विल कीप चेंजिंग, बट द वर्ड ऑफ गॉड लास्ट फॉर एवर, एंड दैट इज वाई इफ यू गेट होल्ड ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, इवन दो द सिविलाइजेशंस चेंज, यू आर गोइंग टू स्टैंड फर्म। चलिए मिलकर अपनी आयत को पढ़ते हैं दोनों भाषाओं में। Let's read it together. First in English, then in Hindi. Ready? 1, 2, 3. Let's go. Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Hindi में, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, वैसा ही अपने पति के अधीन रहो। मैं आपका ध्यान जैसा प्रभु में उचित है, उसपे लेकर आना चाहता हूँ। I want to lead your attention to as it is fit in the Lord. The word, the proper word used there is as a dressman dresseth, as a man measureth, as a man sueth, something that is proper and fitting for you in the Lord. It is only proper that we women submit ourselves to men in our homes. और यहाँ पर जहाँ लिखा है कि जैसा प्रभु में उचित है, मानो की उपमा इस बात की दी गई है कि जैसा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कपड़ा बनाता है, उसको काटता है और उसको सीता है, और उसके अनुसार उसको जैसा उचित है वैसा कपड़ा उसके लिए बनाता है, उसी तरह से पत्नियां अपने पति के उचित, प्रभु में जैसा उचित है वैसे अधीन रहो। कुछ चीजें बाइबल में उचित है,